दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटे के बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जय हिंद में। आज हम अध्याय एक रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं के द्रव्यमान और आयतन संबंधी कुछ प्रश्न हल करेंगे। चलिए हम हल करना शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को NTP पर गर्म करने पर कितने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी? तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका समीकरण लिख लेते हैं। तो हल समीकरण है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 एरो, और गर्म करने के लिए हम डेल्टा का निशान लगा देते हैं। तो अभिक्रिया के पश्चात बनेगा CaO+CO2 जो कि गैस है। तो हम ऊपर की ओर एरो का निशान भी लगा सकते हैं। तो ये NTP पर पूछ रहा है, तो हम पहले CaCO3 का भार निकाल लेते हैं। तो CaCO3 का भार होता है 100 ग्राम और NTP पर है, इसलिए NTP पर सामान्य तापमान पर जो गैस बनेगी उसका आयतन 22.4 लीटर होता है, इसलिए इसका आयतन भी होगा 22.4 लीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त CO2 बराबर 22.4 लीटर इसलिए 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से CO2 प्राप्त होगी। कितनी CO2 प्राप्त होगी, इसके लिए हम 22.4 लीटर इंटू 10 ग्राम 22.4 लीटर इंटू 10 ग्राम अपान 100 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और 10 से 10 कैंसिल 10, तो ये हो जाएगा 2.24 लीटर। तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 2.24 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। तो हम लिख सकते हैं, अतः 10 ग्राम CaCO3 से 2.24 लीटर CO2 प्राप्त होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समीकरण के अनुसार NTP पर 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी? तो जैसा कि समीकरण दिया हुआ है CaCO3, तो हम पहले CaCO3 का अणुभार ज्ञात कर लेंगे। तो इसका अणुभार होगा CaCO3 का 100 ग्राम, जैसे कि हमने पिछले वाले में ज्ञात किया था। तो प्रत्येक गैस का NTP पर जो ताप होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो हम लिखेंगे हल, चूंकि 22.4
लीटर CO2 प्राप्त करने के लिए आवश्यक कैल्शियम कार्बोनेट। तो कितनी आवश्यक कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसका 100 ग्राम है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं 100 ग्राम। तो इसलिए 11.2 लीटर CO2 प्राप्त करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की आवश्यकता होगी, बराबर 11.2 इंटू 100 अपान 22.4। 11.2 में 22.4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो आ जाएगा बराबर 50 ग्राम। तो हम यहाँ अतः लिख देंगे, अतः 11.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 2.3 ग्राम सोडियम की जल की अधिक मात्रा से क्रिया होने पर, सोडियम जल से क्रिया होती है तो कितने ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त होगा। और दूसरा क्वेश्चन दिया, इस हाइड्रोजन का सामान्य ताप दाब पर आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका समीकरण लिखते हैं, तो चलिए लिखते हैं हल। इसका सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, तो किसकी, सोडियम की Na, सोडियम की जल के साथ क्रिया हुई H2O, तो क्या बनेगा यहाँ पे NaOH प्लस हाइड्रोजन। अब हम इसे संतुलित कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं H2 और H1 3H है, लेकिन यहाँ पे H2 ही है और यहाँ पे O1 ठीक है। चलिए अब इसे संतुलित कर लेते हैं, यहाँ पे 2Na कर दें और यहाँ पे भी 2 कर दें, तो 2Na O2 और H2 हो जाएगा, H2 H2 4, और यहाँ पे भी हम 2 लगा देते हैं। तो इस तरह हमारा समीकरण संतुलित हो गया है। अब हम यहाँ पे Na का अणुभार ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 और Na का परमाणु भार होता है 23, तो 46 ग्राम, और 46 ग्राम Na से हमें कितनी हाइड्रोजन प्राप्त होती है, 2×1 बराबर 2 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि 46 ग्राम Na से सोडियम से प्राप्त हाइड्रोजन बराबर 2 ग्राम, इसलिए 2.3 ग्राम सोडियम से हाइड्रोजन प्राप्त होगी बराबर 2.3 इंटू 2 अपान
46 तो इसका हम इंटू कर देते हैं, तो इस प्रकार 44.6 इंटू 46 अपॉन 46, तो इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1 ग्राम, तो हमें इससे 0.1 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त होगी। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसे भी हल कर लेते हैं। इस तो हम लिखते हैं चूंकि 46 ग्राम सोडियम से प्राप्त हाइड्रोजन बराबर 22.4 लीटर, तो 2.3 ग्राम सोडियम से हाइड्रोजन प्राप्त होगी। तो 2.3 ग्राम कितनी हाइड्रोजन प्राप्त होगी, तो हम इसमें करेंगे 2.3 इंटू 22.4 अपॉन 46। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे और इससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो 22.4 अपॉन 20 आएगा, तो ये 1.12 लीटर, तो ये हमारा आंसर होगा कि 2.3 ग्राम सोडियम से 1.12 लीटर हाइड्रोजन प्राप्त होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 18 डिग्री सेल्सियस व 778 मिलीमीटर दाब पर 6.795 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कितना आयतन प्राप्त होगा। 18 डिग्री सेल्सियस जल वाष्प दाब 18 मिलीमीटर है, तो सबसे पहले हम अभिक्रिया लिख लेते हैं कि अभिक्रिया किस प्रकार होगी। तो हल अभिक्रिया का सबसे पहले समीकरण लिखते हैं, अभिक्रिया जो पोटेशियम क्लोरेट टू के सी एल ओ थ्री एरो थ्री ओ टू प्लस टू के सी एल तो जो 2KCl का परमाणु भार होगा अणुभार होगा वो आएगा 245 ग्राम, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 मोल है जैसे कि आप देख रहे हैं 3O2 तो 3 मोल, तो 22.4 इंटू 3 तो 4×3=12 ये आ जाएगा 67.2 लीटर। तो हम लिखते हैं चूंकि एनटीपी पर 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट से प्राप्त O2 बराबर 67.2 लीटर, तो इसलिए
एनटीपी पर 6.795 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड KCLO3 से प्राप्त ऑक्सीजन बराबर, तो हम यहाँ पे इसे इंटू कर लेते हैं 6.795 इंटू 67.2 लीटर अपॉन 245 245 ग्राम। तो हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारा आयतन होगा, हमें इतने आयतन प्राप्त होगी। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ऑक्सीजन के इस आयतन को एनटीपी से, जो एनटीपी पर है 18 डिग्री सेल्सियस और 778 एमएम दाब पर बदल देना है। तो ऑक्सीजन के इस आयतन को एनटीपी से 18 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 770 मिलीमीटर दाब पर बदलने पर, तब हम इसे बदल देते हैं। तो गैस का समीकरण जो है आप इसे लिख लीजिएगा, गैस समीकरण P1 इंटू V1 अपन T1 बराबर P2 इंटू V2 अपन T2। तो सबसे पहले हम P1 लिख लेते हैं। तो P1 यानी प्रेशर, सामान्य ताप दाब पर प्रेशर कितना होगा 760 मिलीमीटर, और V1 आयतन जो हमने निकाल रखा है 6.795 इंटू 67 अपान 67.2 अपान 245। और टी टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, तो यहाँ पे 273 केल्विन। अब हम साइड में यहाँ पे P2, तो इसका P2 कितना है, P2 होता है दाब माइनस जल वाष्प, तो दाब है 778 माइनस जल वाष्प 18, तो ये आ जाएगा 760 मिलीमीटर। दाब है V2, हाँ V2 ही तो ज्ञात करना है, और T2 बराबर 273 प्लस 18 डिग्री सेल्सियस ताप, इसलिए 18, तो 8 3 11 7 1 8 1 9 291 केल्विन। तो अब हम इसे इन मानों को रख के सॉल्व कर देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण में मान रखने पर, तो हम समीकरण मान रख देते हैं। तो हमारा समीकरण था P1 इंटू V1 अपान T1 बराबर P2 इंटू V2 अपान T2। तो P1 बराबर हमारे पास मान है 760 मिलीमीटर,
इंटू 67.2 इंटू 6.795 अपॉन 245 और T1 है 273 केल्विन और P2 तो प्रेशर जो है वो यहाँ पे 860 mm ही है और V2 ज्ञात करना है और T2 है हमारे पास 291 केल्विन। तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ 760 से 760 कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों को सबसे पहले कैंसिल कर देते हैं। अब इसे और वैसे तरीके से 67.2 इंटू 6795 और बटे 273 गुणे 245 बराबर V2 बटे 291। तो अब हम इस यहाँ पर V2 लिख देते हैं और इस 291 को ऊपर ले जाएंगे 67.2 इंटू 6795 इंटू 291 अपन 273 इंटू 245। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.99 लीटर। तो हम लिख सकते हैं 18 डिग्री सेल्सियस ताप व 778 मिलीमीटर दाब पर 1.99 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।